हेलो फ्रेंड्स, आपका सीमा खत्री किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए चावल। मैंने बासमती चावल लिए हैं 1 गिलास, जिन्हें मैंने धो लिया है। मटर पुलाव बना रहे हैं तो हमें मटर ज़्यादा चाहिए। मैंने 1 भर के कटोरी मटर लिए हैं। 1 टमाटर काट लिया है, 1 प्याज को काट लिया है, थोड़े से मैंने काजू लिए हैं। खड़े मसालों में मैंने 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, दालचीनी और थोड़ी सी लौंग। चलिए पुलाव बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे कुकर को चढ़ा दिया है। मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारा भुन चुका है। काजू, खड़े मसाले में 1 तेज़पत्ता, काली मिर्च, 1 छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को मैंने कूट के डाला है। काजू हमारे भुन चुके हैं और खड़े मसाले भी। तब हम प्याज डालेंगे। प्याज को भी 2 मिनट भूनने देंगे। टमाटर डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। टमाटर भी हमारे भून चुके हैं। अब हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच से कम गरम मसाला, क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले का यूज़ किया है इसलिए हम गरम मसाला कम डालेंगे। इन सारे मसालों को 2 मिनट में भून लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। अब 1 कटोरी मटर डालेंगे और मटर को भी मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, मटर भी हमारी भुन चुकी है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावलों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 1 गिलास चावल लिए हैं तो हम 2 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी और डालेंगे। पानी डाल के अच्छी तरह से चावलों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, इससे पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। एक सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मटर वाला पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।